नेताओं ने तो रामलला को भी काल्पनिक बता दिया था, अयोध्या को भी काल्पनिक बता दिया था। कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उससे भी कहते हैं, अरे क्या हो गया तेरा, तो राम निकल गया। कांग्रेस का राम निकल गया। और एक जगह कांग्रेस ने फोरम भर दिया, केंद्र की कांग्रेस कह रही है कि आप वापस लीजिए, वो कह रहा है मैं तो वापस नहीं लेता हूं। कांग्रेस अपने हाथ का ही विरोध कर रही है, क्या उसको वोट नहीं देना है? अब देखिए उस कांग्रेस का क्या होगा जो अपने आप में ही मना कर रही है बांसवाड़े के अंदर कि हाथ वाले को मत है। आपने देखा होगा कांग्रेस को की स्थिति में हो रही है। अरे इन्होंने तो रामलला को भी काल्पनिक बता दिया था, अयोध्या को भी काल्पनिक बता दिया था, राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। ये राम की शक्ति को नहीं जानते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम की शक्ति को नहीं जानते तो कांग्रेस में से भी राम निकल गए। हम आप देखते हैं, आप देखते हो, हम तो किसान आदमी है। गांव में जब कोई क्वार के महीने में जब जोत चलती थी तो कोई बैल बोदा हो जाता था। गांव में जब वो होता था तो क्या कहते थे कि इसका तो राम निकल गया। कहते थे कि नहीं कहते थे? कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उससे भी कहते हैं, अरे क्या हो गया तेरा, तो राम निकल गया। कांग्रेस का राम निकल गया। आप देख रहे हैं, कोई कहता है कि मैं तो चुनावी लीडर लड़ना चाहता था, कोई कहता है कि मेरे को तो जबरदस्ती लड़ा दिया, कोई कहता है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। आपने देखा होगा दो दो तीन तीन चार चार टिकट वापिस हो गए। और एक जगह कांग्रेस ने फोरम भर दिया, केंद्र की कांग्रेस कह रही है कि आप वापस लीजिए, वो कह रहा है मैं तो वापस नहीं लेता हूं। अब देखिए क्या स्थिति हो रही है, उसने वापस नहीं लिया। कांग्रेस अपने हाथ का ही विरोध कर रही है, क्या उसको वोट नहीं देना है? अब देखिए उस कांग्रेस का क्या होगा जो अपने आप में ही मना कर रही है बांसवाड़े के अंदर कि हाथ वाले को मत है। ये स्थिति इसलिए क्योंकि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। सुबह जब हम जगते हैं तो हमारे बुजुर्गों को, हमारे सम्मानियों को, हमारे से बड़े को सबसे पहले हम राम राम करते हैं। जिस राम को अस्तित्व मिटाने वाले ये लोग हैं, राम को काल्पनिक बताने वाले जो लोग हैं, राम निकल गया इनसे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राष्ट्रीय संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 500 सालों से हमारे रामलला टेंट के अंदर रह रहे थे। 500 सालों की वह गुलामी, 500 सालों का वह इतिहास चंद सेकंडों में समेटने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि कहा था, हमारे घोषणा पत्र में था कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो राम मंदिर का निर्माण करेंगे। कांग्रेस ही कहते थे ये जुमला है, हम कहते थे हमारे लोग रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने तो तारीख भी बताई आपको, निमंत्रण भी दिया आपको। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।